साई जी रुक जाओ बेला ये दाग देख रहे हैं आप न जाने कब से अपने हाथ पे लेकर घूम रही है हमें अपना परिवार मानती है फिर भी हमें नहीं बताया इन्होंने इसके बारे में छुपाती रही अब देखते हैं कौन रखेगा इन्हें हमारे साथ ही आना पड़ेगा इन्हें साई क्या ये दाग किसी तरह से जा नहीं सकता लेकिन क्यों मानिक इस दाग की जानकारी होने से तुम्हारे रिश्ते में क्या फर्क पड़ता है ये दाग तो क्या साई अगर इनका पूरा शरीर भी इस दाग से भर जाए ना तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आई, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि एक दाग के कारण हमारा प्यार कम हो जाएगा बेला ने दाग के बारे में हमें पहले ही बता दिया था कोई फर्क नहीं पड़ा फर्क इससे पड़ा कि आप घर छोड़ के चली गई थी हमें चिंता इस बात की थी कि हम आपको आपको कैसे ढूंढेंगे लेकिन साई इस दाग से आई को तो फर्क पड़ता है ना एक तरह की हीन भावना आ जाती है इनके मन में और हम अपनी आई को ऐसे मुंह छुपाकर डर डर के जीते हुए नहीं देख सकते हैं हम जब भी इनकी ओर देखते हैं हमें ईश्वर की दी हुई सबसे खूबसूरत भेंट दिखाई देती है हम चाहते हैं कि आई को भी यही महसूस हो मुझे माफ करो बच्चों मैं तुम्हें खोने से डरती थी इसलिए ये बात छुपाई तुमसे हमें माफ करो आपको खोने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम इतने सौभाग्य से माँ की ममता मिली है माँ का महत्व क्या है ये उससे पूछिए जिसके सर पे माँ का साया ना हो राम जी आपका लाख लाख शुक्र आपने मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया अब मुझे अपनी
दागों की भी कोई चिंता नहीं। आई हमारे घर चलो, खून का रिश्ता है हमारा। किस काम का ऐसा खून का रिश्ता जो एक दाग के आगे अपना रंग खो दे। मैं मानता हूं गलती हुई है मुझसे, इंसान हूं, गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन मेरी आई को पट्टी पढ़ाकर भड़काया तो तुम नहीं है ना? जायदाद हड़पना चाहते हो हमारी जो अब भी आई के नाम पर है। हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, आप रखिए इनकी जायदाद। अरे जाओ जाओ, ऐसा तुम अब बोल रहे हो, कल आ जाओगे हिस्सा मांगने। मैं गांव के मुखिया के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लिखवाऊंगा कि तुमने मेरी आई को बहकाया है। जेल भिजवा कर रहूंगा तुम्हें, हमें आई की जरूरत है और अब ये हमारे साथ आएंगी। जो करना है करो, मैं भी देखता हूं कौन हमें हमारी आई से दूर करता है। तुम्हारे जैसे मतलबी बेटे के साथ कोई मां नहीं रहना चाहेगी। बहुत मुंह चलता है तेरा, रुक जाओ। तुम दोनों आपस में ही फैसला करोगे? या सरस्वती माई से भी पूछोगे कि इनकी मर्जी क्या है? बताइए माई, आप किसके साथ रहना चाहेंगी? गांव के मुखिया के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लिखवाऊंगा कि तुमने मेरी आई को बहकाया है। जेल भिजवा कर रहूंगा तुम्हें। मां तो वही रहना चाहेगी जहां उसके प्यार को बच्चे समझ सके, उसकी इज्जत कर सके। माने बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। मेरा दिल तो यही कहता है, लेकिन मेरी वजह से तुम पर कुछ आ जाए ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए कि मेरा ये स्वार्थी बेटा तुम्हारे लिए कुछ मुसीबत खड़ी करे, मैं इसके साथ वापस जाऊं यही ठीक होगा। सुना? चलो आई। आई, हम आपके लिए कोई भी मुश्किल सह लेंगे। आई, हमें छोड़कर मत जाइए। भलाई इसी में है बेटी, मैं यहां से चली जाऊं।
लड़की चल आ। नहीं, मैं अपनी अज्जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई नहीं छीन सकता मुझे इनसे। अपने बाप की तरह तुम्हारी भी जुबान बहुत चलती है, बदतमीज। अंदर ले आओ जल्दी। बेला, बेला, साई हमें इसे अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी। साई कुमकुम, जैसा आप चाहते थे वैसे तैयार कर दिया है। तुम्हें विश्वास है ना श्यामा कि इसमें एक भी गुट्ठल नहीं है? हाँ साई, मैंने अच्छे से देखा है। क्या हुआ इस बच्ची को? कहते हैं कि इसके दिल में खून के थक्के हैं। तो कोई इलाज नहीं है। कौन है ये लोग? बंदे हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने एक। कोई भी राह, सफर उस तक पहुंचे हर एक डगर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर, मेरे साई।
छोड़कर मत जाइए ना। अब तो ये ठीक हो गई ना, चलो आई। नहीं अज्जी। नाना, अब वो समय आ गया है जब तुम एक माँ की सेवा करके अपनी आई की सेवा करोगे। मेरी अज्जी को मेरे पास रहने दीजिए ना, मत ले जाइए मेरी अज्जी को। मैं सब समझ गया, ये चमत्कार तुम सब लोगों का ढोंग था ना। क्या लगता है तुम लोगों को, तुम लोगों का ये ढोंग देख करके मैं अपनी आई को यहीं छोड़ दूंगा? आई के जाने के बाद पहले ही बहुत नुकसान हुआ है मुझे, अब आई मेरे साथ चलेंगी, नहीं तो मैं फैसला करने के लिए गांव के मुखिया को बुलाने जा रहा हूं। याद है ना तुम्हारी आई ने तुमसे कहा था कि जब भी किसी जरूरतमंद मां को देखो तो उनकी मदद करो, ये सेवा उन तक पहुंच जाएगी। मुझे आदेश दीजिए साईं, मुझे क्या करना है? समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। मां किसके साथ रहेंगी इसका फैसला किसी का फायदा नुकसान देखकर नहीं लिया जा सकता है। वहीं रहेंगी जहां इनका दिल चाहेगा, जैसा कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया, मैंने देखा समझा, उससे यह स्पष्ट है कि ये इन लोगों के साथ रहना चाहती हैं। और मजबूरी में ही तुम्हारे साथ लौटना पड़ रहा है। तुम होते कौन हो बीच में टांग अड़ाने वाले? मैं अहमदनगर का डिप्टी कलेक्टर हूं। अब अगर तुमने अपनी आई को मजबूर करने की कोशिश की तो मेरे पास जितनी भी सरकारी ताकत है और कानूनी अधिकार हैं उनके तहत मैं तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। जेल में सड़ोगे तुम। ठीक है, जहां रहना है रहो, लेकिन मुझे पता है ये राम मूर्ति हमेशा से हमारे खानदान में रही है और बाबा कहते थे कि इन्हीं की वजह से हमारे खानदान में बरकत थी। ये मूर्ति वापस करो हमें। जानते हो बेटा, ये मूर्ति मूर्ति ही नहीं, इसमें मेरे प्राण बसते। लेकिन खानदानी मूर्ति तो खानदान के बेटे के साथ ही रहेगी ना आई, आप चाहो तो मूर्ति के साथ आप भी आ जाओ।
आई, आप सचमुच यही रहना चाहती हैं? अब से मैं यही रहूंगी तेरे पास। धन्यवाद बेटा, आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी इच्छा से जीने की आजादी मिली है। धन्यवाद करना है तो साई का कीजिए माई। इन्होंने मुझे सिखाया कि विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है। ये आप लोगों का साई पर विश्वास ही है कि ये लड़की अभी सही सलामत खड़ी है, नहीं तो इसका इलाज ही नहीं है किसी वैद्य के पास। साई, मैंने आप पर विश्वास किया तो उससे एक माँ का भला हुआ। साई, आज मैंने पहली बार आप में उस व्यक्ति के दर्शन किए जिस पर आज से पहले मैंने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया। मेरी आई, आस आई, मैंने अपनी आई के दर्शन किए आप में। मैं जो हमेशा हर बात में तर्क ढूंढा करता था, प्रमाण के अलावा किसी बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आपने ऐसी अनुभूतियां करा दी कि अब आप पर विश्वास ना कर पाना संभव नहीं है। हाँ सही, मैं डरता था आई को खो देने के बाद मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता था। फिर से खो जाने का डर, इसलिए मैंने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। पर आपने मुझे समझाया साई कि सिर्फ देह तक संबंधों को सीमित रखना मेरी भूल है। संबंध तो अंतर आत्मा का होता है जो अजर है, अमर है, जो कभी नहीं मरती। मेरी पत्नी ने मुझसे सही कहा है, आप ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मैं आश्रित हो सकता हूं, जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं। आज से आप ही मेरे माता पिता है साई। राहुल जी, आपने मुझे नया परिवार दिया। साई के रूप में आप खुद मेरे पास आए हैं, लेकिन आपको मेरे बेटे के साथ जाना होगा, उनका ख्याल रखना और उनको सद्बुद्धि देना, और मेरे नारायणी को ढेर सारा प्यार। जा बेटा, अपने घर जा, मैं तुम दोनों को दिल से माफ करती हूं। राम जी तुम दोनों को हमेशा सही राह दिखाएंगे। बिना मांगे जो बच्चों की जरूरत को पूरा करे
वो माँ है। तुम दोनों को माफी की जरूरत थी, इन्होंने दे दी बिना तुम्हारे मांगे। तुमने ये तो जरूर जताया कि इनके ना होने से तुम लोग कैसे मुश्किल में पड़ गए, तुम लोगों की कैसे बदनामी हो गई। उसके बाद तुम इन्हें डराने धमकाने लगे, लेकिन कभी एक बार भी प्यार से आई कहकर नहीं पुकारा, एक बार भी दिल से माफी नहीं मांगी। लेकिन फिर भी सरस्वती माई का आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भाई, आप सच में हमारे साथ नहीं आना चाहती? आपने इतनी आसानी से अपने जन्म दिए बेटे को, भाई ऐसा क्या है इस परिवार में जो हम में नहीं है? तुम्हारी आई के दाग दूर करने का उपचार बता रहा हूं। ये लेप रोज लगाना होगा इन्हें, लेकिन ये काम सिर्फ इनकी पोती कर सकती है। उसके हाथों जब लेप लगेगा तभी इनके हाथ के दाग दूर होंगे। अगर स्वीकार है तो ले जाओ इन्हें अपने साथ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। आइए माई, धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम। सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। आपको दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। जब से आपकी छाया मुझ पर पड़ी है तब से किसी न किसी रूप में आपका आशीर्वाद ही मुझ पर बरस रहा। निस्वार्थ प्रेम की शक्ति है ये माई, जो एक बच्ची के हाथ लगे लेप ने आपका रोग दूर कर दिया। साई, साई मुझसे भूल हो गई। हमने अपनी आई को हमेशा अपने स्वार्थ के लिए रखना चाहा, और अब इसका एहसास हो गया है तो क्या हमें सुधरने का एक मौका और नहीं मिलना चाहिए? हाय, अब कोई स्वार्थ नहीं, मैं दिल से पूछ रहा हूं, क्या आप अपने घर कभी नहीं लौटेंगे? और नारायणी, आई वो आपका इंतजार कर रही है, हम उसे क्या कहेंगे? हम ऐसे मत छोड़िए आई। साई, मैं एक परिवार चाहती थी, आज मुझे दो मिल गए। नहीं, मां बच्चों का कभी परित्याग नहीं कर सकती। लेकिन मैं अब भी माहिक और द्रुपदा के साथ ही रहना चाहूंगी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं, मगर मैंने तुम दोनों को सब कुछ सिखा दिया, अब इन्हें मेरी जरूरत है, बेला को मेरी जरूरत है। मानिक और द्रुपदा के घर को मेरी जरूरत है। तुम दोनों आते रहना मुझसे मिलने, कभी कभी मैं भी आया करूंगी तुमसे मिलने, और नारायण को मिले बगैर तो मैं रह नहीं सकती, और बेला को भी नारायणी के रूप में एक बहन मिल जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं ना जाने क्या क्या कह गया, लेकिन मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। पहले तो इसलिए कि आपने मेरी आई को इतना प्यार, इतना सम्मान और वो खुशी दी जो मैं कभी नहीं दे सका, और दूसरा ये मैंने आपसे सीखा है बेटा कैसा होना चाहिए।
मेरा बंदा रुपया आ गया। साई, आपने आज मुझे मेरी अज्जी लौटा दी। साई, आपके कारण हम सबका जीवन सुधर गया। बस अब अपनी रहम नजर हम पर ऐसे ही बनाए रखना। राम जी भला करें। कई लोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार में बुजुर्गों की सेवा न करने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस पुरानी पीढ़ी का उनके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। अब उनका कोई डर भी तो नहीं है, तो फिर क्यों सम्मान करें उनका? क्यों कोई त्याग करे उनके लिए जिनके बिना आज सब काम हो सकते हैं? लेकिन सम्मान कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेवा कोई ऋण नहीं है, वो तो केवल एक कृतज्ञता का भाव है। उन जड़ों के प्रति कृतज्ञता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पोषण दिया, स्थिरता दी, ताकि तुम फल फूल सको। जो मनुष्य अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो किसी और के प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकता है? जो बुजुर्गों का सम्मान, उनकी सेवा ना करे, उसमें और किसी की सेवा करने का सामर्थ्य कैसे हो सकता है? स्मरण रखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो बड़ों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। ये कोई चमत्कार नहीं है। सेवा करना तो कृतज्ञता का प्रतीक है, और कृतज्ञ वही हो सकता है जिसमें अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं, और जहां अहंकार नहीं वहां विवेक है, संवेदना है, आभास है, करुणा है। जो व्यक्ति इन गुणों की शक्ति लेकर चले, वो जरूर सुखी होगा। राम जी भला करें। क्या कर रहा है जी? मैं तो दर्शन करने जाती।
समझ गया। तुझे पता है तुझ जैसों को मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में जाना वर्जित है, पता है ना? भक्ति ऊंच नीच कहां समझती है पंडित जी। बदतमीज, अब पंडित जी को तू शास्त्र समझाएगा? अभी बताता हूं तुझे। सेठ जी, आप क्यों इसके मुंह लग रहे हो? नहीं पंडित जी, इसे इसके औकात तो बतानी ही पड़ेगी। सेठ जी, आप शांत रहिए। और क्या कह रहा था तू? भक्ति ऊंच नीच नहीं समझती है, पर मंदिर के कुछ नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार तुझे यहाँ कोई स्थान नहीं है। चल जा यहाँ से। शिरडी के साई बाबा तो कहते हैं ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता है, उसके घर में ऊंच नीच नहीं है, सभी को अधिकार है अपने ईश्वर के दर्शन करने का। तो फिर शिरडी के मंदिर जा, यहाँ आकर हमारा मंदिर क्यों अपवित्र कर रहा है? शिरडी में नहीं होते होंगे नियम, पर यहाँ है। चल जा। यहाँ तुझ जैसे लोगों को मंदिर के अंदर तो क्या, मंदिर के द्वार पर भी भटकने की अनुमति नहीं है। मेरे दर्शन करने से विठोबा पवित्र कैसे हो जाएंगे? जाता है या फिर? ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैंने प्रण लिया था कि विठोबा दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ताकि मेरा पैर ठीक हो सके। जब से मेरे पैर में चोट आई है तब से हर कदम पर असहनीय पीड़ा होती है, फिर भी बहुत दूर से चलकर आया हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ, विठोबा के दर्शन बिना नहीं जाऊंगा। तुझे समझता है कि नहीं, तुझे यहाँ कोई स्थान नहीं है, चल जा यहाँ से। मैं विठोबा जी के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा कहीं। लगता है तू मुझे अपवित्र करके ही मानेगा। सेठ जी पकड़िए इसे, मैं देखता हूँ। नहीं, चल चल चल, निकल यहां से, निकल। कहां से आते समझ में नहीं आता, चल। शिव 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 शिव, अपवित्रः पवित्रवा सर्वावस्था गतोपि वा यस् मरेत पुण्डरीकाक्षं समायभ्यन्तरं शुचिः। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। साई बाबा, क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने विठोबा के दर्शन कर सकूं? क्या आज एक गरीब की भक्ति हार जाएगी अमीरों से? क्या आपने झूठ कहा था कि ईश्वर ने सभी को बराबर बनाया है? क्योंकि मुझे कभी किसी के बर्ताव में ये नजर नहीं आया। अगर आज मुझे विठोबा के दर्शन नहीं हुए तो मैं मान लूंगा कि मेरी भक्ति बेकार है, मेरी आस्था बेकार है। आज मैं ये निर्णय करके ही रहूंगा। साई, आप, तुमने मुझसे सवाल पूछा था, जवाब देने तो आना ही था, लेकिन आस्था भक्ति पे सवाल क्यों? किसी ने तुम्हें मंदिर की मूर्ति का दर्शन लेने से रोक दिया इसलिए? मंदिर में तो मूर्ति होती है, वहां भी ईश्वर हमारी सोच हमारी नियत के अनुसार ही दर्शन देते हैं। अगर भक्ति सच्ची नहीं तो काशी में भी महादेव नहीं मिलेंगे। और भक्ति में पवित्रता हो, निश्चलता हो, तो भगवान भक्त से मिलने कहीं भी चले आते हैं, जैसे शबरी से मिलने राम जी आए थे। विठोबा भी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, संसार के पालनहार हैं,
संसार के कण कण में विठोबा बसे हैं साईं, लेकिन मैंने जीवन भर इसी भेदभाव का सामना किया है। साहूकार नौकरी देने से मना कर देता है, पानी पीने के लिए गांव के कुएं तालाब नसीब नहीं होते, बाहर जाना पड़ता है पानी लाने। सब मेरी जाति पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं ये मेरे पुराने पापों का फल है। और तो और, जब से मेरे पैर में घाव हुआ है, वैद्य भी देखने को तैयार नहीं होता है। इसलिए मैंने पूरी आस्था के साथ विठोबा से कहा कि मैं निर्जल उपवास करके उनके दर्शन करूंगा, बस वो मेरे पैर का घाव ठीक कर दे। साईं, जिन विठोबा की भक्ति में लीन होकर मैंने हर जुल्म सह लिया, आज ये मुझे मेरे विठोबा से दूर कर रहे, ये मैं नहीं सह सकता। विठोबा है, हर जगह है, लेकिन अब सवाल आत्मसम्मान का है। पैर के घाव के साथ साथ मन के घाव तभी भरेंगे जब मैं विठोबा की मूर्ति के दर्शन करूंगा। ठीक है, तो यहीं बैठो और विठोबा के नाम का जाप करो। यहां बैठकर मंदिर के अंदर क्यों नहीं? ये देखने के लिए कि विठोबा अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं या नहीं। ठीक है साईं। विठ्ठल जय हरि, विठ्ठल 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 जय हरि, विठ्ठल 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 जय हरि, विठ्ठल 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 जय हरि, विठ्ठल। आंखें खोलो। कैसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है साईं। तुम्हारी भक्ति देखकर खुद विठोबा तुम्हारे सामने आ गए हैं। आओ, विठोबा के दर्शन कर लो। Thank you.
साई? मेरे पैर का घाव ठीक हो गया साई, मेरे पैर का घाव ठीक हो गया। ईश्वर ने हवा बनाई, सूर्य की रोशनी और उष्मा थी, जल दिया, फूलों को सुगंध दी, फलों को मिठास दी, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि ये केवल उन मनुष्यों के लिए है जो धनी हैं, शक्तिशाली हैं। भगवान ने तो प्रकृति सबके लिए बनाई, उसका बंटवारा किया मनुष्य ने। जो नियम मनुष्य को मनुष्य के साथ भेदभाव करना सिखाए, जो नियम भक्त को भगवान से दूर करने पे विश्वास करे, ऐसे कोई नियम भगवान नहीं बनाता है। भगवान ने तो सबको अपनी भक्ति का समान अधिकार दिया है, स्वतंत्र इच्छा दी है। भगवान के लिए भक्त की जाति, उसकी अमीरी गरीबी सब महत्वहीन है। महत्व रखती है भक्त की लगन, उसकी आवश्यकता, उसकी करुणा, उसकी आस्था, उसकी पवित्रता, उसकी नियत। जहां सच्ची भक्ति दिखी, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, वो किसी मूर्ति या मंदिर में कैद नहीं है। तुम दामजी की कथा जानते हो ना? जब अकाल पड़ा, तब दामजी ने राजा के अन्न कोष का सारा अन्न गरीबों में बंटवा दिया। राजा से ये सहन नहीं हुआ और उसने दामजी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। तब विठोबा ही थे जो पीड़ित जात के इंसान का अवतार लेकर दामजी के दान में दिए गए अनाज की रकम राजा को चुकाने आए और दामजी की जान बचाई। और उन विठोबा के मंदिर में पक्षपात करके तुम ना सिर्फ अपना कर्म बल्कि विठोबा के संदेश को भी झुठला रहे हो, विठोबा के मंदिर की गरिमा को खंडित कर रहे हो तुम। हमसे ये कैसी गलती हो गई? बताइए सही, इसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित सिर्फ इतना है कि जब कभी तुम किसी को अपने से छोटा, अपने से हीन समझने लगो, तो याद रखना कि तुम ईश्वर से दूर जा रहे हो। जो ईश्वर का सम्मान करते हैं, वो सब में ईश्वर को देखते हैं, और जो नहीं देखते, वो भक्ति नहीं, केवल भक्ति का अभिमान है। श्रद्धा गगन के जैसी जागे तेरे मन में, सबूरी धारा के जैसी राखे जीवन में, राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए, बात ये अनोखी हमको साई सिखाए, भीत यही साई चरण में दे दे चढ़ा। अल्लाह इनके सिवाए ओम साई।
साई, आप इस जाले को क्यों देख रहे हैं? इस जाले को टूटने से बचाना होगा। लेकिन साई, मकड़ी के जाले को तो हटा देते हैं, फिर आप इसे बचाने के लिए क्यों कह रहे हैं? केशव, ध्यान से देखो, ये सिर्फ जाला नहीं है, इसमें जीवन है। इस मकड़ी के रूप में, और वो देखो, वहां कुछ अंडे भी हैं मकड़ी के। मकड़ी कोशिश कर रही है कि उसके अंडों को कुछ ना हो, उसके होने वाले बच्चे सुरक्षित रहें। और जब कोई माता पिता अपनी औलाद के संरक्षण के लिए प्रयास करें, तो उनकी मदद करना ईश्वर की सेवा करने से कम नहीं होता है। शांत हो जाइए। अब तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं, और मैं दुआ करता हूं कि हर माता पिता को अपनी संतान की मदद करने की शक्ति मिले। प्रणाम साई। राम जी भला करें। अरे संतू, इतनी रात को, सब ठीक तो है? मैंने ही इसे बुलाया है तात्या, क्योंकि शिरडी में ऊन छांटने वाला यही एक है। ऊन? संतू, ऊन लाया हो ना? जी साई। ये देखिए, आपने जैसा कहा था मैं वैसा ऊन ले आया, लेकिन साई ये तो उलझा हुआ है। कुछ भी बनाने से पहले इसे सुलझाना होगा, नहीं तो गांठ पड़ जाएगी। लाइए मैं इसे सुलझा देता हूं। नहीं संतु, इसकी जरूरत नहीं है, ये उलझा हुआ है, इसे मैं ही सुलझाऊंगा। एक एक करके अलग करूंगा, तभी तो अच्छा वस्त्र बनेगा, है ना? लेकिन साईं, अगर आपको वस्त्र ही चाहिए तो हम ला देंगे, अपने हाथों से वस्त्र बनाना क्यों जरूरी? जरूरी है। मन में साईं के क्या है, तभी तो इसे मंगाया है। कौन जान पाए। लाइए साईं, इसे मैं कर देता हूं। नहीं तात्या, मैं कर लूंगा। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं है साईं, मैं यहां रुक के आपकी मदद। तात्या, आज रात तुम्हारा घर पे होना जरूरी है। जी साईं, चलता हूं। राम जी भला करे। बिजली तो ऐसे कड़क रही है जैसे आज कहीं गिरकर ही रहेगी।
साईं के तरीके निराले हैं। साईं की लीला कोई समझ नहीं सकता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आपका यहां आना, साईं से मिलना, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है, जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। साईं कहते हैं कि गुरु और शिष्य का मिलना भी गुरु ही तय करता है। अब तो बस साईं से एक ही प्रार्थना है, इतनी सेवा करवा ले मुझसे कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। साईं की सेवा करने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। कब, कैसे, ये साईं तय करेंगे। बातों बातों में मैं जिस काम के लिए यहां आया था वो तो बताना भूल ही गया। इसमें आपका नाम लिखना है और आपके आने की तिथि, और इसमें मुझे आपके दस्तखत भी चाहिए होंगे। वो सब तो ठीक है, मगर किस लिए? कुछ दिन पहले लोकमान्य तिलक जी और दादा साहब खापर्डे जी यहां आए थे। साईं से मिलने के लिए जो लोग यहां आते हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये देखकर दादा साहब ने एक सुझाव दिया कि साईं से मिलने के लिए जो भी भक्त यहां आएंगे हर एक व्यक्ति के नामों का लिखा जोखा इसमें लिखना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये उचित होगा, और फिर साईं के इतने सारे भक्त हैं, कभी कोई उत्सव हुआ तो उन्हें बुलाने में भी आसानी होगी। यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं इतने सालों से साईं को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन ये मानता हूं कि अपने भक्तों के मुंह से साईं बोलते हैं। हो सकता है कि दादा साहब के द्वारा ये सुझाव देकर साईं किसी बात का अंदेशा देना चाहते हो। शुक्रिया, मैं चलता हूं। धन्यवाद। साई बाबा, आइए। ब्रिटिश सरकार की तहकीकात में आपके ऊपर लगाया हुआ इल्जाम सही साबित हुआ है। आपको गुनहगार मानते हुए आपकी गिरफ्तारी का हुक्म निकाला गया है। I'm not afraid to die.
भाईजा तुम ठीक तो हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? भाईजा कुछ बोलो तो। क्या हुआ बाबा? देखो तो, अचानक से जाग गई है और पसीने से तरबतर हो गई है, घबराई हुई है और कुछ बोल भी नहीं रही है। आई? आई, क्या हुआ? बोलिए ना। मुझे अभी जाकर साईं से मिलना है, मुझे द्वारका माई ले चलिए। तुम शांत हो जाओ भाई साहब, शांत हो जाओ। जाएंगे, जरूर जाएंगे। थोड़ा उजाला तो होने दो, फिर जाएंगे। तब तक अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। कैसे मन को शांत करूं? मैंने जो सपना देखा है। मैं समझ सकता हूं भाई साहब, लेकिन ये भी तो सोचो, साई को कोई क्यों गिरफ्तार करेगा? साई कोई गलत काम करते ही नहीं है, और भाईजा तुम्हारा बेटा साक्षात ईश्वर है। वो दूसरों की बेड़िया खोलता है, तो उसे कोई क्यों कैसे बेड़िया पहनाएगा? तुम शांत हो जाओ। आज से पहले जब भी साईं के बारे में मुझे कोई अंदेशा हुआ है, हर बार वो बात सच हुई है। जब साईं दिलावर अली के साथ शिरडी छोड़कर जा रहा था, जब वो 3 दिनों के लिए समाधि लेने जा रहा था, हर बार मेरा अंदेशा सच निकला है। मेरा मन शांत नहीं होगा जब तक मैं उसे खुद मिल नहीं लेती। मुझे द्वारका माई ले चलिए। बाबा, आई ठीक कह रही है, हम द्वारका माई चलते हैं। वैसे भी अब सुबह हो ही चली है, साई ही आई की चिंता दूर कर सकते हैं। चलते हैं। और मेरी भी। अरे मजा आ गया। पंता जी, पंता जी क्या ख्याल है? गर्मा गर्म जलेबी कुछ हो जाए? हाँ संता जी, आपने तो मेरी मुंह की जलेबी, मेरा मतलब है मुंह की बात छीन ली। चलिए चलिए चलो चलो गर्मा गर्म। यहाँ साई का घर कहाँ पड़ेगा? शिरडी में आके साई का पता पूछ रहे हो साहब, क्या बात है? मैं तो पहली बार शिरडी आ रहा हूँ, आज ही तबादला हुआ है, इसलिए कुछ पता नहीं है मुझे। इस गली से दाहिने चले जाइए, वहाँ किसी से भी पूछ लेना द्वारका मैं कहाँ है। शुक्रिया जी। पंता जी, उस फकीर को कौन चिट्ठी लिख सकता है? हाथ तो पते की लग रही है, पता करना पड़ेगा। चलिए चलो 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 चलो। राम जी भला करे। तुम ठीक हो ना? वादा करो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। सुबह से दिल बैठा जा रहा है मेरा, ऐसा भयानक सपना देखा मैंने। पैसा मां, जिसके पास आपके जैसी माँ हो उसके साथ कभी कुछ गलत हो सकता है?
तो फिर वो सपना? सपना कोई भी हो, जब माँ का प्यार ढाल बने तो हर प्रहार निष्फल हो जाता है। लेकिन साईं, इस मन का क्या करूं जो अपनी औलाद की सुरक्षा के लिए डरता है? बाईजा माँ, आपने मुझे हर रोज सिर्फ निवाले नहीं खिलाए, हर एक निवाले के साथ लाख लाख दुआएं भी दी हैं आपने मुझे। यही मेरा रक्षा कवच है, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। देखा साई, सिर्फ आप ही इसे समझा सकते हैं। हमने समझाने की इतनी कोशिश की लेकिन ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब आपने बोला तो शांत हो गई। लेकिन साईं, उस सपने का क्या संकेत हो सकता है? सपना हो, यथार्थ हो, जो भी है सब मालिक की देन है, और जो मालिक की देन है उससे डर कैसा? देखो ना भाई सामा, अगर आपको सपना नहीं आता तो सुबह सुबह आपके दर्शन कैसे होते? डाक बाबू, डाक बाबू, रुकिए। क्या बात है? वो साईं बाबा के नाम की चिट्ठी आई है ना? हाँ। साईं आपको नहीं मिल पाएंगे, कहीं गए हैं ना संता जी? हाँ, वो दिन भर भटकते जो रहते हैं। हाँ, इसीलिए उनके लिए जो भी आता है उससे हम ही मिलते हैं। साईं, साईं, हम उनके परम भक्त। आप परम सेवक जो ठहरे। चिट्ठी हमें दे दीजिए, उन्हें दे देंगे। लाइए। दीजिए, दीजिए। ये सरकारी कागजात हैं, किसी ऐरे गैरे को नहीं दे सकता। पंता जी, सरकारी कागज उस फकीर के लिए? मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। हाँ, सही कहा आपने। अब तो ये पता करना और जरूरी हो गया है कि उसमें है क्या। चलिए चलिए। आप लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, आप बाईजामा को घर ले जाइए और नाश्ता कर लीजिए। हवा कहां से चलने लगी अचानक? तुमने भी कुछ खाया नहीं है, मैं यही कुछ बना देती हूं। अब मेरी चिंता मत करो भाईसामा, मैं ठीक हूं। हाय, आप घर जाकर आराम कीजिए,
मैं केशव के साथ यही रुककर साई के लिए नाश्ता बनवाता हूँ। ठीक है, लेकिन साईं तुम वादा करो कुछ भी हुआ तो तुम मुझसे नहीं छुपाओगे। जब बच्चे को जरूरत होगी तो वो अपनी आई को ही पुकारेगा ना। चलती हूँ। साई कहाँ रहते हैं? यही साई है। धूलेकोट से आपके लिए समन आया है। एक और समन? समन? केशव, इनसे पत्र ले लो। ये समन किस लिए? केशव, ये तीसरा समन है साई के नाम से। मतलब पहले दो बार समन आ चुका है? क्या लिखा था उसमें? नहीं पता। नहीं पता? साई ने मुझे पढ़ने भी दिया कि उनमें क्या लिखा था। अब तो मुझे भी बड़ी चिंता हो रही है। पहले ये तीन समन और आज सुबह आई का वो सपना। चिंता की बात तो है तात्या, न्यायालय के समन्स को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस गांव जाना ही नहीं है उस गांव का पता क्यों पूछना? माफ कीजिएगा साई, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए ये किस सिलसिले में जरूरी बात होगी कोई, तभी तो वो बार बार भेज रहे हैं। इसे अनदेखा करना मतलब। केशव, मैं तो बस एक ही अदालत में मानता हूं, मालिक की अदालत। अगर मेरा फैसला होना ही है तो उसी अदालत में होगा। तात्या,
इस पत्र को भी उसी नीम के पेड़ के नीचे गाड़ दो। जी सर। केशव, साई से तर्क करने में कोई फायदा नहीं है, उनका फैसला नहीं बदलेगा। ये समन मुझे दे दो, इसे मैं गाड़ कर आता हूं। जानता हूं जब तक तुम इसका पता नहीं लगा लेते शांत नहीं बैठोगे। तात्या, मैं कानून जानता हूं तात्या, समन को ऐसे नजरअंदाज करना मतलब मुसीबत को आमंत्रित करना है। लेकिन साई को कौन समझाए केशव, एक बार पढ़ के देखना तो चाहिए क्यों भेजा है समन। नहीं केशव, साई नहीं चाहते कि हम ये पढ़े। मैं माफी मांग लूंगा साई से, वो अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमें तो उनके बारे में सोचना चाहिए। बात तो ठीक कह रहा। लो। सब कुछ इस पर निर्भर करता है। हरिओम हरिओम। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उस पाखंडी के पाखंड का अंत निश्चित है। अदालत ने उसे हाजिर होने का आदेश दिया है, इसका अर्थ यह है कि उसने जरूर कुछ न कुछ किया होगा। शिरडी वासियों ने आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है ना, उसे अब मैं खोलूंगा। पहली बार तुम लोगों ने कोई अच्छा समाचार सुनाया है। और इस उपलब्धि के लिए तुम दोनों को कोई इनाम देने का मन कर रहा है मेरा। चलिए सरकार, ढेर सही सही, आपको हम दोनों की कीमत तो पता चली। सरकार, आप कह रहे थे इनाम देने का मन कर रहा है। इनाम। देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। वैसे चिट्ठी आई किस कारण है, ऐसा क्या किया है उस बैरागी ने? वो तो हम सुन नहीं पाए हैं। जी सरकार। मूर्ख नंदनो, कब होती है तुम लोगों के पास पूरी जानकारी? पता चला यहां मैं अदालत से आई चिट्ठी का प्रचार कर रहा हूं और वहां अदालत में उसका कोई भक्त उसे छुड़ा रहा हो। सरकार, ये सब इस संता की गलती है, इसके वजह से मैं सुन नहीं पाया और मैं सुन नहीं जा रहा था, संता ने मुझे घिरा दिया। माना सरकार की गलती मेरी है, पर मैं इस गलती को सुधार सकता हूँ। हाँ। कैसे सरकार?
उस फकीर ने अदालत से जो चिट्ठी आई है ना, उसे अपने खंडर के पास में जो नीम का पेड़ है उसके नीचे गाड़ने के लिए कहा है। हम दोनों अभी जाकर ले आएंगे। हाँ। अब मेरा मुंह क्या देख रहा हूं, जाओ यहां से। जी 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 सरकार, चलिए पंता जी, चलिए। गधे कहीं के। साई, मैं जानता हूं आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मामला अदालत का है। अगर 3 बार समन्स आने के बाद भी अब अदालत में हाजिर नहीं हुए तो बात बढ़ सकती है। केशव, मेरे लिए तो ये द्वारका माई ही 4 धाम है, काशी भी यही और अदालत भी ये द्वारका माई ही है, स्वर्ग भी यही और कारावास भी ये द्वारका माई ही है। मैं यहां से कहां जाऊंगा? जाओ, जैसा मैंने कहा, चिट्ठी को नीम के पेड़ के नीचे गाड़ के आओ। जी साईं। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई। मुझे ठीक नहीं लग रहा था त्या, अगर साई को धूले की कोर्ट से समन आया है तो इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी किसी की, और फिर अंग्रेज सरकार कहां सोचती है हमारी तरह। उन्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा कि साई बैरागी है। चिंता तो मुझे भी है केशव, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि साई तो सबकी रक्षा करते हैं, तो फिर उनकी चिंता करने वाले हम कौन होते हैं। और जैसा कि हम उनका हर एक आदेश निभाते आए हैं, ठीक वैसे ही हमें उनका ये आदेश भी निभाना चाहिए, और वो भी बिना किसी चिंता या शंका के। समझे केशव? लो। पंता जी तैयार हो जाइए, अपने दिन बदलने वाले हैं। आहा संता जी, खोदिए खोदिए। We'll be right back.
धन्यवाद राम जी, धन्यवाद। क्या हुआ साईं? देखो, एक बहुत बड़ी उलझन सुलझ गई है और राम जी की ऐसी ही कृपा रही तो एक दिन सारी उलझनें सुलझ जाएंगे। केशव, तुमने अभी तक अदालत की वो चिट्ठी गाड़ी नहीं? नहीं साईं, अभी तो गाड़ के आया हो। तो फिर उसकी चिंता अब तक मन में क्यों रखे हुए हो? मुझ पर भरोसा करो। आप पे तो है साईं, लेकिन अंग्रेजी सरकार पर नहीं, उनसे उलझना। उलझन तो मैं सुलझा रहा हूं, लेकिन चोरी के आरोप में आपको क्यों बुला रहे हैं साईं? आप तो कभी धुले गए भी नहीं, तो फिर ये सब क्या है? तात्या, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष होने में समय लगता है, और जिस दिन राम जी चाहेंगे शिरडी से धुले के तार भी जुड़ जाएंगे। क्या हुआ, आज भी नहीं आए साई अदालत में? साई, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी कि मेरे पति को इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है? आप तो भक्तों की पुकार दूर से भी सुन लेते हैं, फिर हमारे दर्द से अनजान क्यों नहीं आ रहे हैं मदद करने? सब खत्म हो गया वसुंधरा, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचिए आप, मुझे विश्वास है साई हमारे साथ है, और जिनके साथ साई है कलिकाल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीनू को इस बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? याद करता रहता है आपको, आपके बारे में सवाल पूछता है, उसके ठीक होने के लिए आपका वहां होना बहुत जरूरी है। आपके ना होने से कहीं उसकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। सही, मेरे लिए ना सही, लेकिन मेरे बेटे के लिए आके मेरी मदद कीजिए सही। चलो कुंडी बहावाला, सुंदरा शिंदे, आप और कुंडीबा तो बहुत बोल रहे थे कि साई बाबा आकर सब कुछ साफ कर देंगे, वो साबित कर देंगे कि आपके पति कुंडीबा ने गहने नहीं चुराए हैं। मैं सच कह रही हूँ साहब, मेरे पति ने गहने नहीं चुराए। गहने तो उससे ही बरामद हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा पति सच बोल रहा है। उसका अपराध चोरी नहीं बल्कि धोखेबाजों पर विश्वास करना है। शिरडी के साई बाबा, यही नाम है ना उस बाबा का जिसने तुम्हारे पति को गहने दिए थे? मुझे तो लगने लगा है कि असली चोर साई ही है। खुद पकड़ा ना जाए इसलिए गहने तुम्हारे पति को देकर उसे फंसा दिया।
साई ना कभी कुछ गलत करते हैं और ना ही कभी किसी का बुरा चाहते हैं। ये तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं साहब, आस्था। आस्था है हमारी हमारे साई पर। फिर तो तुम्हारे साई को यहाँ पर आकर तुम्हारे पति को रिहा करना चाहिए। 3 समन जा चुके हैं उन्हें, फिर भी नहीं आए। क्यों? क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तो साई ही जानते हैं। मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि साई आएंगे जरूर और मेरे पति की बेगुनाही भी साबित करेंगे। विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा बड़ी ही बारीक और धुंधली सी होती है। अंधविश्वास इंसान को दुख की खाई में झोंकता है और विश्वास इंसान का उद्धार करता है। रिहाना? साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। मैं भिक्षा लेकर आती। मुझे भिक्षा नहीं, मोरपंख मिलेगा। जी साई, अभी लाई। साई, साई, क्या हुआ अब तुम? साई, सखाराम का बेटा बहुत ही बीमार है। पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं उसके, खुजली और दर्द के मारे कराह रहा है। साई, आप चलिए ना मेरे साथ उनकी मदद करने। साई, लीजिए। शुक्रिया। मुझे जितना समझाना था समझा चुका हूं। अब तुम जानो और वो साई जाने। कानून तो अपनी कार्यवाही करेगा ही। जी सर। गणपत राम जी, साई ने अदालत के समन की अनदेखी की है, इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट निकाल लिया है। एक काम करो, ये वारंट लो, इसे लेके फौरन शिरडी जाओ और साई बाबा को गिरफ्तार करके यहां लेके आओ। फिर हम उन्हें अदालत में पेश कर देंगे। जी सर। जाओ। आई, आई। क्या हुआ कुन्ना? आई वो दादा। कुछ करो बेटा, आई बहुत जल रहा है। चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए सब बहुत जल रहा है। बेटा चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। पूरा शरीर लाल पड़ गया, मेरे बच्चे को बचा लीजिए साई। बैद के लिए पैसे नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि आप हमारी इकलौती उम्मीद है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए साई, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये देखिए साई। मुझसे इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही है साई। मेरे बच्चे को किसी भी माँ की आह राम जी तक पहुंच ही जाती है। तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है।
इसके साथ? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? दिन रात पूरे मोहल्ले में किसी न किसी की नाक में दम किए रखता है। आज हमारे सीताफल के पेड़ से सीताफल चुरा लिए। चोर का बेटा चोरी ही तो करेगा। मेरे आंगन में सभी मटके फोड़ दिए। अरे आपको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हमने इसको कूटा नहीं। अरे बच्चा है ये, बीमार है, अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है इसका, आप सब तो जानते हैं, फिर भी ऐसा करते हैं। और आप लोग तो बड़े हैं ना, फिर भी इन बच्चों को नहीं रोका। क्यों रोकेंगे? आप सबको तो सिर्फ तमाशा दिखता है ना। तमाशा तो होगा ही, पहले ही समझाया है कि इसे किसी पागल खाने में छोड़ाओ। बिल्कुल होगा तमाशा। अरे मैं तो कहता हूं अगर पागल खाने में नहीं तो किसी नदी में धकेल दो। ये यहां रहेगा, यही सब करेगा। ये हम क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे कह सकते हैं? गलत क्या बोला, तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। इसकी देखभाल और इलाज के लिए खर्चा होगा, इसी मारे तो कोंडीबा ने चोरी की। ऐसा बेटा पाल के क्या मिलेगा? ये तो अपनी बहन की डोली को कंधा देने के लायक भी नहीं है। तुम सबकी सारी परेशानियों का कारण यही है। कौन जाने किसी भूत प्रेत का साया हो इस पे, मर जाए तो जान छूटे। बस भाऊ बस, अब मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच्चा है ये मेरा, मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। और रही इसके भविष्य की बात, तो अपनी बहन की डोली को कंधा भी यही देगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी यही बनेगा। मामा, मेरे साई ठीक करेंगे, मेरे साई ठीक करेंगे। बाप चल रहा है, आई आई कुछ करो ना। बाबा दादा आई, दादा का दर्द कम ही नहीं हो रहा है। हमेशा बाबा ही से शांत कराते थे, पर बाबा तो आई, मुझे लगता है हम दवाई ले आते हैं। दवाई के पैसे होते खुदा तो पहले ही ले आती। फिर क्या करूं आई, दादा को आराम कैसे मिलेगा? आई बाबा जिसके हृदय में दया।
हो करुणा मैं जो सर्वोपरि हो निर्बल का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम हरे कृष्णा जाति धर्म का भेद नहीं हो मानवता में छेद नहीं हो टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो तीर्थ वही है पावन ग्राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे भिन्न नाम से एक भजे रे रहीमन है वही राम रहीमन है वही राम अनंत वो धरे अनेक उसके अंश से बना हरे जान ले सबका मालिक एक जान ले सबका मालिक ले आई ये देखो मालिक ले सबका मालिक ले ओम साई राम आई मैं ठीक हो गया आई आई मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा शुक्रिया साई आपका बहुत बहुत शुक्रिया साई राम जी भला करें मेरी आस्था और मेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है साई यही शक्ति देते हैं मुझे अपने हालात का सामना करने की वरना तो कब की टूट चुकी होती गहनों की कहानी क्या है मैं नहीं जानती साई मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मेरे पति आपका नाम लेकर कभी झूठ नहीं बोलेंगे गहने उन्होंने नहीं चुराए की मदद कीजिए साई उन्हें इस जाल से बाहर निकाल दीजिए उनके बगैर मेरे बेटे की हालत बिगड़ती जा रही है उनके ना होने से उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है कहते हैं जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं साई कृपा वहीं से शुरू होती है अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है साई भी मेरी आखिरी उम्मीद है राम जी सब तक मदद पहुंचाते हैं बस सही समय की प्रतीक्षा करनी होती है और तुम्हारा सही समय आने वाला है अगर
आज शाम तक आप रुक जाते हैं तो वो खुद आपको लेने आ जाएगा। कह रहा था कि बहुत जरूरी बात है। जरूरी बात? जी ठीक है, आज शाम तक तो रुक ही सकता हूं। आत्य से कहिएगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। जी शुक्रिया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। केशव। जी बाबा। सुना है उस फकीर को अदालत से बुलावा आया है। आपको कैसे पता? कुलकर्णी सरकार हूं बेटा, आज तक कोई बात छुपी है मुझसे शिरडी में? आ? फिर तो आप सब जानते ही होंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे? चिल्ला चिल्ला कर मैं तुम लोगों से कहता रहा, आज प्रमाण सामने आ ही गया। वो फकीर नहीं बल्कि एक ढोंगी है, अपराधी है वो। अपराध तो गरीब किसानों के शोषण को कहते हैं। केशव आओ, आओ, क्या कर रहे आप? केशव मैं वो छोटा केशव नहीं रहा बाबा, जिसे आप डरा धमका कर सच बोलने से रोक लेते थे। इसे यहां से लेकर जाओ रुक्मिणी, अन्यथा मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा आज। लेकिन हुआ क्या है केशव, क्या हुआ? सत्य और असत्य की लड़ाई में जब असत्य को अपनी दुर्बलता का बोध हो जाए तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना माँ। चलिए माँ। आप हमेशा गलत जगह उलझ कर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और चाल भी। बहो, साई को जो अदालत से चिट्ठी आई है उसमें क्या लिखा है यही जानना चाहते हैं ना आप? तुम्हें कैसे पता? इस गांव की पूरी खबर भले ही ना हो मुझे, पर इस घर की सारी जानकारी रखती हूं मैं। और अच्छी खबर ये है कि आप जो पता करना चाहते हैं वो पता करना आसान है। कैसे? यहाँ का जो पोस्टमैन है वो नया है। कौन? डाकिया। यहाँ का डाकिया नया है, नासिक से आया है, इसलिए वो अब तक भक्त नहीं बना है उस फकीर का। आप तो मुखिया है इस गांव के, अपने औहदे या रुपए का फायदा उठाकर जानकारी निकलवा लीजिए। एक बार वो समन कहां से आया था ये पता चल जाए तो बस, बाकी जानकारी निकलवाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, इस बार आपकी मदद के बदले मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप हर बार की तरह इस बार भी मुकर जाएंगे। आज इतनी दानशील कैसे हो गई तुम बहू? ना मतलब के तो तुम मरते को पानी ना दो। किसने कहा मतलब नहीं है? जितनी नफरत मैं उस फकीर से करती हूं उतनी कोई नहीं कर सकता है। उससे छुटकारा पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और मुझे किसी भी हाल में वो फकीर इस चिरडी से ही नहीं, हमारी जिंदगी से बाहर चाहिए।
इस बार मत चुकिएगा। हरिओम हरिओम। वीरभद्र, वीरभद्र, इस जगह की रखवाली के लिए मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता हूं। यहां देखभाल करके तुम किसी का भला कर रहे हो। किसी के मर्ज की दवा है इस पेड़ के तले। तुम्हारा जितना आभार प्रकट करूं कम है। यहां बुला लिया और खुद कहां पे रह गए? किसने देख लिया तो? हे भगवान, मैं अंधेरे में गिरते पड़ते आया और ये ऐसे खुलेआम मशाल लेके जैसे जुलूस निकाल रहे हो। अगर गांव वालों को पता चल गया तो? डाक बाबू, मेरा काम कर दिया? जी, इसमें सारी जानकारी है। साई का समन कहां से आया, क्यों आया, सब कुछ। हरिओम। हाँ, तुम्हारे पैसे। ये लो। एक रुपया? सरकार, बात तो 2 रुपए की हुई थी। हाँ हाँ, बात तो 2 रुपए की हुई थी, लेकिन क्या है ना, ये मेरे जो सेवक है ना, संता और पंता, ये बहुत मूर्ख हैं, निकम्मे हैं। क्या है, कल जाके इन्होंने गांव में बता दिया कि डाक बाबू ने साई का अहित चाहकर गुप्त जानकारी कुलकर्णी सरकार को दे दी, तो साई के भक्त तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। तो इनका मुंह बंद रखने के लिए मुझे 1 रुपया देना पड़ रहा है। तुम चाहो तो दे देता हूं, लेकिन फिर परिणाम जो होगा। सरकार, मैंने आपकी मदद की है और आप मेरे साथ ऐसा कैसे? हाँ हाँ, काम का ही तो दाम दे रहा हूँ। तुम्हारी पिटाई ना हो इसलिए तुम्हारे नाम पर ही 1 रुपया इन्हें दे रहा हूँ। जी सरकार। सरकार, आप 8-8 आने हम दोनों को दे दीजिए, बंटवारे की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों पता जी? हाँ संता जी। चुप बैठा,
एक सांप को नहीं भगा पाए तुम दोनों, एक रुपया क्या फूटी कौड़ी के नहीं हो तुम दोनों। मशाल ठीक से पकड़ो। जी 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 जी, जी सरकार। शिंदे, तुले गांव के गहनों के चोरी का प्रकरण, अब तो तू गया फकीर, अब ना तुझे तेरा राम बचा पाएगा और ना ही तेरा मालिक। अब ना रहेगी श्रद्धा और ना रहेगी सबूरी। हरिओम। नाना साहब, ये बात कितनी गंभीर हो सकती है? सबन को नजरअंदाज करना अदालत की अवमानना होती है। पता नहीं अदालत अब क्या निर्णय लेगी। साई ने ऐसा क्यों किया होगा? चांदोरगढ़ जी, उनके निर्णय समझ पाना हमेशा कठिन रहता है, लेकिन फिर अंत में समझ में आता है कि उन्होंने क्यों किया और क्या किया। पर यहां बात उनके भक्तों की नहीं है, कानून की है, और वो कानून जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया है। नाना साहब, इन घटनाओं से तो लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन साईं के लिए, हम सब के लिए थोड़े कठिन होने वाले हैं, इसलिए आप रुक जाएं तो बात सुलझाने में आसानी होगी। आखिर आप तो कानून के जानकार हैं, और हम आपको कोई गैर कानूनी काम करने नहीं कह रहे हैं, बस साईं के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। आपकी मौजूदगी में हमें इस बात का भरोसा रहेगा। मुझे भी यही लगता है कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मुझे शिरडी में ही रुकना चाहिए। लेकिन चांदोरगढ़ जी, इस बारे में मेरी आई से कुछ मत कहिएगा, अगर उन्हें पता चल गया तो। मैंने सब सुन लिया है। प्रणाम साई। राम जी भला करें। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? साई, पिछले कुछ दिनों से जीव बहुत उदास है। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, समझाने की, लेकिन। क्या हुआ है चूते? साई, इतने सालों से मेरा जीवन, मेरी भूमिका एक मां की रही है। मेरे दिन और रात मेरे गोविंदा की देखरेख में बिताए हैं मैंने। इस बात का मुझे बहुत आनंद है, बहुत समाधान मिला है मुझे। साई, गोविंदा तो है, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है, उसकी अपनी एक अलग नई दुनिया बन रही है, जिसमें शायद उसे अब मेरी उतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती। अचानक ऐसा लगने लगा है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। साई, एक अजीब सा सुना बना रहा है।
एक अजीब सा खाली बना रहा है। आज तक गोविंदा की देखभाल मेरा जीवन था, लेकिन अगर उससे अब मेरी उतनी आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगी साई? साई, मैं तो समझा कर थक गया। साई, बच्चे तो बड़े होंगे ही ना, माता पिता की छत्र छाया से बाहर निकलकर अपनी नई दुनिया बनाएंगे। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। क्या हुआ? मैंने आज कान्हा जी का व्रत रखा है और उन्हें चढ़ाने के लिए मुझे दही चाहिए। गांव में सबसे पूछ लिया लेकिन किसी के पास भी नहीं है। क्या आपके पास थोड़ा सा दही होगा? हाँ, अभी देता हूँ। साई, आप बैठिए, मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ। उस टोकरी में? जी साई। क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूं। चूतई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ है। साई, यही है। ये लीजिए। धन्यवाद साई। कुछ समझा चूते? क्या साई? जब श्रीकांत दही लेने के लिए नीचे झुका तो इसकी कमर में लचक आई और तभी इसने सबसे पहले क्या कहा? आई। सबसे पहले इसने अपनी आई को पुकारा, जबकि इसकी आई ने तो कई साल पहले देह त्याग दिया है। फिर भी जब संकट आया सबसे पहले आई का ही नाम निकला। बच्चों के लिए मां की आवश्यकता, उनके काम करने तक या उन्हें खिलाने पिलाने तक ही सीमित नहीं है। यह आवश्यकता तो आजीवन रहती है। मां के अनुभव या उसकी सूझबूझ ही नहीं, कई बार तो केवल मां से खुशी या अपने दुख की बात करना बच्चों का मन हल्का कर देता है। मां का स्पर्श, उसका बच्चे के सर पे हाथ रख देना सारे कष्टों का सामना करने की हिम्मत दे जाता है। मां का आशीर्वाद लेकर हर खुशी संभव लगती है। और रही बात गोविंदा की, तो चिंतई, गोविंदा का आत्मनिर्भर होना तुम दोनों के पालन पोषण की सफलता ही तो है। अब तक तुम गोविंदा के सिर्फ माता पिता थे, अब उसके मित्र भी बन जाओगे। इसीलिए इस नए अध्याय का खुले मन से और खुशी से स्वागत कीजिए। अब तुम दोनों का बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। आ, 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 आ,
इतनी गहरी बात इतने सरल और साधारण तरीके से सिर्फ आप ही समझा सकते हैं साई। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक माँ के रूप में मुझे नया जीवन मिल गया साई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। लेकिन आई, इतनी रात को आप कैसे जाएंगी? भाईजा, भाईजा शांत हो जाओ तुम। देखो हम सब है, साई को कुछ नहीं होने देंगे, और नाना साहब भी है, वो मामला सुलझने तक यहाँ रह रहे हैं। साई जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं, गुरु माना है उन्हें, आज नहीं आने दूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। आप सबकी बातें मैं मानती हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे डरावना सपना मैंने देखा था, ऐसे लग रहा है वो सच होने का समय आ गया है। सपने में भी मेरे साई तक पहुंचने से पहले ही वो लोग उसे गिरफ्तार करके ले गए थे। मुझे साई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे उसके पास होना चाहिए। भाई साहब, लेकिन वहां होकर भी क्या करोगी तुम? हाय, और हम सबकी रक्षा तो साई करते हैं, फिर भला उन्हें हमारी रक्षा की क्या जरूरत? और ये बात तो हम सबसे ज्यादा आपको पता है। जानती हूं, साई सारे आघातों से ऊपर है, उसे जाकर बचाने की सामर्थ्य इस बूढ़ी माँ में नहीं है, इसलिए साई ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब बहुत बड़ा हो गया है ना मेरा बेटा, अब उसे आई की जरूरत कहाँ है? कह दीजिए साईं। राम जी भला करे। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, तुम्हारे आंचल की जरूरत तो हमेशा रहती है माँ। माँ की ममता का सुख पाने के लिए ही तो ईश्वर ने राम और कृष्ण बनकर धरती पर जन्म लिया था। तुम्हारा हाथ मेरे सर पे रहता है तो मुझे भी वही सुख मिलता है माँ। कल का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन सिद्ध होगा, जानते हो क्यों? हाँ सरकार, कल सुबह कोपर गांव के हेड कांस्टेबल गणपत राम जी जो शिरडी आ रहे हैं। और उस डाक बाबू की दी जानकारी के अनुसार वो उस फकीर को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाएंगे। अरे अरियो, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में उनके निर्णय को परिवर्तित नहीं होने देना है। कल सबसे पहले गणपत राम जी का स्वागत हम करेंगे और उनकी आंख को ऐसी हवा देंगे कि वो फैल कर उस फकीर के अस्तित्व को ही नष्ट कर दे। Yeah!
परंतु सरकार, जिस प्रकार से उस फकीर के भक्त इस गांव में बढ़ रहे हैं, क्या वो उसे गिरफ्तार करने देंगे? हाँ सरकार, मुझे तो डर है कहीं लड़ाई झगड़ा ना करने लगे। हाँ सरकार। हाँ हाँ, इसलिए आवश्यक है कि किसी को भी इसकी भनक ना लगे। क्या सुन रहे थे छुप छुप कर? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? साई को गिरफ्तार करवा के आपके धनी हो जाएंगे। एकदम चुप। अभी अभी तुमने जो सुना ना, वो किसी से मत कहना, अपने बेटे से भी नहीं। पर क्यों? इतने सालों में आपने देखा है ना कि साई कितने महान है। कल मेरी गणपत राम जी से भेंट है, उससे पहले यदि तुमने किसी से कुछ कह दिया तो मैं क्या करूंगा पता है? तुम्हारा मंगल सूत्र, खींच के निकालूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से बाहर फेंक दूंगा। सची? आज की रात उस फकीर की शिरडी में आखिरी रात होगी। राम किया सोई हुआ, राम करे सो होए, राम करे सो होएगा, काहे कल्पय कोई।